नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान मार्ग में। दोस्तों, देवों के देव महादेव को कौन नहीं जानता, और ऐसे ही महादेव का प्रदोष व्रत जीवन में तमाम तरह के दोषों का निवारण माना जाता है। हर माह में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है। इस साल पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 21 दिसंबर 2022 को है। इस दिन बुधवार होने से ये बुध प्रदोष व्रत कहलाएगा। हर माह को दो प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन ही मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत में संध्या काल में शिव जी की पूजा की जाती है, वही मासिक शिवरात्रि व्रत में रात्रि के प्रहर में भोलेनाथ की उपासना का विधान है। प्रदोष व्रत के दिन कुछ खास बाबतों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो शिव जी क्रोधित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं पौष प्रदोष व्रत के दिन पूजा में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं साल के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन अमृत सिद्ध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और ध्रुति योग का संयोग बन रहा है। इन तीनों योगों में देवों के देव महादेव की पूजा करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव भक्त को कभी न खत्म होने वाला पुण्य मिलता है। दोस्तों, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 21 दिसंबर 2022 सुबह 8:33 से शुरू होकर 22 दिसंबर 2022 सुबह 6:33 तक रहेगा। उसके बाद ध्रुति योग 21 दिसंबर 2022 को सुबह 12:41 से शुरू होकर रात 9:26 तक रहेगा, और उसके बाद अमृत सिद्धि योग 21 दिसंबर 2022 सुबह 8:33 से लेकर 22 दिसंबर 2022 सुबह 6:33 तक रहेगा। इस दिन शिव पूजा का मुहूर्त शाम 5:38 से लेकर रात 8:21 तक रहेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं प्रदोष व्रत के दिन क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से पौधे की पत्तियां भोलेनाथ को अर्पण नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे भी और आध्यात्मिक वीडियो आप जल्द ही देख पाएं, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा उत्साह बढ़ाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पौधा है तुलसी का पौधा। बहुत सारी पूजा में हम तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत की पूजा में महादेव को तुलसी दल अर्पित नहीं करने चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की उपासना में तुलसी का उपयोग करना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि असुर राज जलंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने ही जलंधर का वध किया था, इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। ऐसा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए भूलकर कभी भी महादेव को तुलसी की पत्तियां अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो महादेव को नहीं चढ़ानी चाहिए, जैसे कि तांबे के लोटे में दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। दूध चढ़ाने के लिए पीतल के लोटे का उपयोग करना चाहिए। वही हम सभी जानते हैं कि शिव संहार के देवता हैं, इसलिए इनकी पूजा में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, केतकी, केवड़े के फूल, शंख का जल निषेध है। हमारे हिंदू धर्म में महादेव के करोड़ों भक्त है, फिर भी इन छोटी छोटी भूलों के कारण वह अपनी इच्छा अनुसार पूजा का फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भूल कर भी महादेव की पूजा में निषेध चीजों का बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, वही प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के दिन इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा हो, चाहे मासिक शिवरात्रि की पूजा हो, चाहे और कोई भी पूजा हो, पूजा का फल तभी मिलता है जब भोजन के नियमों का पालन किया जाए। इसलिए हमें इन पवित्र दिनों में तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन और प्याज, मांसाहार भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, और शराब से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। इसके अलावा पूजा सफल हो और पूजा का हमारी इच्छा अनुसार फल मिले, इसलिए पूजा के वस्त्र का सही होना भी अत्यंत आवश्यक है। शिवजी की पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना गया है। ऐसा करने पर शिवजी नाराज हो सकते हैं और साधक पुण्य की बजाय पाप के भागी बन सकते हैं। भोले भंडारी की पूजा में हरा, नारंगी या फिर पीले रंग के धूले और साफ वस्त्र पहनना उत्तम माना जाता है, और अगर आप चाहें तो सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी देवों के देव महादेव की मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत को लेकर एक छोटी सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अगर आपके पास समय है तो कमेंट में जय महादेव अवश्य लिखें।